जय माता दी। मित्रों, धर्मावचन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी जी के बारे में, कि किस प्रकार हम माँ कात्यायनी जी को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका प्रिय रंग, उनका प्रिय भोग क्या है, और माँ कात्यायनी जी को कौन सा प्रिय फूल अर्पित करें जिससे माँ हमसे प्रसन्न हो उठें और हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दें। इसके अलावा मित्रों, हम आपको आज इस वीडियो में माता कात्यायनी जी की संपूर्ण पूजा विधि भी बताएंगे, और साथ ही मित्रों आपको नवरात्रि के छठवें दिन किया जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय भी बताऊंगी, जिसे करके आप माता कात्यायनी से अपनी मुँह मांगी मुराद मांग सकते हैं। लेकिन उससे पहले मित्रों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सनातन धर्म से जुड़े रहने के लिए हमारी चैनल धर्मावचन को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगा दें। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति को। मित्रों, नवरात्रि के छठवें दिन माता कात्यायनी जी की पूजा की जाती है। मित्रों, माँ दुर्गा का छठा स्वरूप माँ कात्यायनी है और चार भुजाओं वाली माता कात्यायनी जी का वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी जी की पूजा आराधना करने से भय व रोगों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा मित्रों, शादी विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए भी माँ कात्यायनी जी की पूजा काफी फलदायी और शुभ फल देने वाली होती है, और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी माँ कात्यायनी जी का पूजन निश्चित रूप से ही करना चाहिए। और बात करें मित्रों माता रानी के प्रिय रंग की, तो नवरात्रि के छठवें दिन भक्त जनों को पूजा करते समय लाल या मेहरून रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। और अगर बात करें माता रानी के प्रिय भोग की, तो नवरात्रि के छठवें दिन माता रानी को शहद का भोग लगाएं मित्रों। इसके अलावा माता को मीठा पान अर्पित करना काफी शुभ माना जाता है। मित्रों, नवरात्रि के छठे दिन माता रानी की विधिवत रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन भी मित्रों सर्वप्रथम आप कलश व सभी देवी देवताओं की पूजा करेंगे। इसके बाद मित्रों उसी स्थान पर एक लकड़ी की चौकी बिछाकर उसमें स्वच्छ वस्त्र पीले रंग का या लाल रंग का बिछाकर माता रानी की फोटो को स्थापित करेंगे। तत्पश्चात माँ को गेंदे का फूल अर्पित करेंगे। तत्पश्चात माँ को रोली व अक्षत लगाएं और माँ को पान सुपारी, लौंग, इलायची आदि अर्पित करें। इसके बाद मित्रों माँ को उनका प्रिय भोग शहद का भोग लगाएं। मित्रों, आज के दिन माता कात्यायनी जी को शहद का भोग लगाना काफी शुभ माना जाता है। इसके बाद मित्रों धूप व दीप जलाकर माता रानी की आरती करें, और आरती के पश्चात मित्रों माता कात्यायनी जी की कथा सुनें, और इसके बाद मित्रों माता कात्यायनी जी के मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माता कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का 108 बार जाप करें। इसके अलावा मित्रों आप किसी और मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तो गूगल से माता कात्यायनी जी के किसी और मंत्र का भी 108 बार जाप कर सकते हैं। इसके बाद मित्रों आप माता रानी के समक्ष अपनी मनोकामना जरूर प्रस्तुत करें, माता रानी आपकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करेंगी। मित्रों, माता कात्यायनी जी की पूजा करने से गृहस्थ लोगों के जीवन में खुशहाली आ जाती है, और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है उन कन्याओं का भी शीघ्र अति शीघ्र ही विवाह हो जाता है। साथ ही मित्रों मन चाहे विवाह और प्रेम विवाह के लिए भी माता कात्यायनी जी की उपासना की जाती है। माता रानी अपने भक्तों के सारे कष्ट दुख दर्दों को हर लेती है मित्रों, और भक्तों के घर में खुशहाली व सुख समृद्धि का वास होने लगता है। मित्रों अब सुनते हैं माता कात्यायनी जी की कथा। दोस्तों, माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माता कात्यायनी जी का जन्म महर्षि कात्यायन जी के घर में हुआ था, इसलिए माँ दुर्गा के छठे स्वरूप को कात्यायनी का नाम दिया गया। कथा यह है कि मित्रों कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि जी के वंश में जन्मे महर्षि कात्यायन ने अपनी कई सालों की घोर तपस्या के बल पर माता रानी को प्रसन्न कर लिया था। उन्होंने माता जगदम्बा से अपने घर में
पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा, जिसे माँ दुर्गा ने स्वीकार कर लिया। और फिर महर्षि कात्यायन के घर में माँ दुर्गा ने जन्म लिया। माता कात्यायनी ने महिषासुर नामक राक्षस का भी वध किया, इसीलिए माता कात्यायनी जी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाने लगा। तो चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं नवरात्रि के छठे दिन किया जाने वाला इच्छा पूर्ति उपाय। दोस्तों, इस दिन आप माता कात्यायनी जी की विधिवत पूजा करें, और पूजा करते समय माता रानी को आप सिंदूर, हल्दी की छोटी सी गांठ, चावल और 7 कौड़ियां अर्पित करें। इसके बाद आप माता रानी जी के मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद आप माता रानी जी से अपनी मनोकामना बोलें। इस उपाय को करने से माता रानी प्रसन्न होकर मनवांछित वरदान देती हैं और आपके जीवन में आने वाले दुख व संकटों को भी दूर करती हैं। मित्रों, नवरात्रि का छठा दिन अविवाहित कन्याओं के लिए विशेष पूजन व मनोकामना पूर्ति का दिन होता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी कन्या माता रानी का पूरे विधि विधान से पूजन करती है, उस कन्या का 1 वर्ष के भीतर ही विवाह हो जाता है। आज के दिन मित्रों, कुंवारी कन्याओं को माता रानी के समक्ष शुद्ध घी का 1 दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद माता रानी की पूरे श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करनी चाहिए। तत्पश्चात मित्रों, माता रानी को 1 पीली चुनरी व हल्दी की 1 गांठ अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद माता रानी से शीघ्र अति शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें और प्रार्थना होने के बाद उस हल्दी की गांठ को पीले रंग की चुनरी में बांधकर अपने पास रख लें। जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता, आप देखिएगा कि इस उपाय को करने के बाद आपका विवाह शीघ्र अति शीघ्र ही हो जाएगा। तो बोलिए मित्रों, माता कात्यायनी जी की जय। मित्रों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें मित्रों, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।